नमस्कार दोस्तों, जैसे बुरहानपुर में गणेश उत्सव की धूम मची है और उन्हीं में सबसे फेमस है एक सिंधीपुरा में गुलाल का राजा, और उन गुलाल के राजा के ही दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि कितने वर्षों से गणेश जी के प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करते हैं, इनके मंडल का नाम क्या है, और भी सारी डिटेल्स हम लेंगे, इनके अध्यक्ष का नाम वगैरह भी। तो आइए, नमस्कार। जय हो गुलाल के राजा की। कितने वर्षों से आप यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हो? गणेश जी की प्रतिमा 31 वर्ष के करीब करीब से यहाँ स्थापित हो रही है, और यहाँ गुलाल के राजा गणेश जी महाराज की ऐसी असीम कृपा है कि यहाँ कल भी तुलादान हुआ, यहाँ मन्नतें पूरी होती है, और कल जितेंद्र अशोक पटेल इनके यहाँ बालक की प्राप्ति हुई, तो बालक को कांटे में लड्डू में तोला गया और 70 किलो लड्डुओं का वितरण किया गया, और कल और रास्तीपुरा के एक बालक का तुलादान है, तो यहाँ मन्नत तो पूरी होती है गुलाल के राजा में। और गुलाल के राजा बुरहानपुर की शान है, यहाँ बहुत समिति एक सरल तरह से कार्यक्रम को करती है, और ऐसे कार्यक्रम शहर में होते रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं क्या। और गुलाल के राजा की एक विशेषता है, जब यहाँ से चल समारोह होता है तो इस चल समारोह में गुलाल के राजा जी का चल समारोह बुरहानपुर में एक विशेष चल समारोह होता है, जिसमें गुलाल के राजा के लिए जैसे बालाजी महाराज के लिए घर घर से आरती निकल के आती है, वैसे गुलाल के राजा जी के लिए घर घर से आरती उतर के आती है, और घर घर से आरती होती है, और पूरे बुरहानपुर का लाड़ दुल्हार प्यार गुलाल के राजा समिति को मिलता है। ये एक गुलाल के राजा समिति और गुलाल के राजा जी के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। बहुत आपकी समिति का नाम क्या है? हमारी यहाँ की समिति नव दुर्गा नवग्रह मंदिर उत्सव समिति है, जो कि गुलाल के राजा के नाम से बुरहानपुर में प्रसिद्ध है। और बुरहानपुर में या कहीं बाहर से कोई व्यक्ति अगर यहाँ गुलाल के राजा के दर्शन करने के लिए आना चाहता है, तो उन्हें एड्रेस क्या दिया जाएगा यहाँ का, जगह? यहाँ का एड्रेस यही दिया जाता है कि सिंधीपुरा गेट के पास में गुलाल के राजा क्या। और अभी खंडवा के भी बाहर के लोग आए थे, जिनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने तुलादान किया था उनके बालक का, तो यहाँ मन्नतों की भी पूर्ति होती है, मन्नत के नारियलों के हार आते रहते हैं क्या। इसके पहले भी प्रतिमा में देखे गुलाल के राजा के ऊपर कि बहुत सारे नारियल के हार, इस बार हार ही दिख रहे हैं लेकिन नारियल बहुत सारे दिखते थे जी। अब नारियल अब आना चालू हो गए, जो मन्नतों के नारियलों के तोरण होते हैं वो 4 दिन 5 दिन के बाद से आना चालू होते हैं। और गुलाल के राजा, मैंने फोटो जितने भी देखे या मोबाइल में वीडियो भी देखे, तो उनके ऊपर गुलाल भी रहता है, तो मतलब उसका क्या महत्व है? उसके बारे में गुलाल का महत्व यह है कि गुलाल के राजा जो है तो गुलाल के नाम से ही प्रसिद्ध है, और गुलाल हम लोग जो है तो मूर्ति पर ज़्यादा गुलाल का डाला जाता है, जिससे और मूर्ति की जो प्रतिमा से जो गुलाल निकलता है वो गुलाल चरणों का उठा के भक्त लोग अपने घर भी रखते हैं, जिससे अपने बच्चों को तिलक करके किसी भी अला बला और हर चीज़ से बच्चों की सुरक्षा की जाती है। गुलाल के राजा जी का ये बच्चों पर आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ पे और भी लोग हैं तो हम उनसे भैया लोग से जानकारी लेना चाहेंगे। तो आप बताइए आपका नाम? मोहित पटेल। आप यहीं रहते हो? जी। तो कैसा लगता है आपको गुलाल के राजा और गणेश उत्सव जब प्रारंभ होता है, तो क्या बोलते हैं उमंग खुशी किस प्रकार की? ये गणेश उत्सव में तो बुरहानपुर में आप सभी जानते हैं कि बहुत प्रचलित है, बाहर से भी जो लोग रहते हैं वो भी एकदम सिर्फ गणेश उत्सव के लिए आते हैं। गणेश मतलब गणेश उत्सव का तो हमको बेसब्री से इंतजार रहता है, और हम साल भर ही इसकी तैयारी में लगे रहते हैं कि इस बार क्या कुछ नया कर सकते हैं, हम क्या उत्सव मना सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है वैसे इसके पहले भी कि हमेशा आपकी गुलाल के राजा की प्रतिमा एक जैसी ही दिखती है, कभी गत कई वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ, तो गुलाल के राजा की प्रतिमा एक जैसी रहती है, उसके अंदर भी आप नए नए एक्सपेरिमेंट कुछ करते हो गए यहाँ, और यहाँ पर कुछ अखाड़ा वगैरह इस टाइप में कुछ होता है क्या? भंडारा वगैरह होता है गणेश जी महाराज का, गुलाल के राजा का भंडारा होता है, और विशेषता ये होती है कि भगत बन के रथ को बाबा के खींचते हैं, यहाँ के जो भगत लोग हैं क्या, विसर्जन चल समारोह में भगत द्वारा रथ खींचा जाता है, अन्यथा ट्रैक्टर भी रहता है, बाकी उसके अलावा भी भगत ही खींचते हैं, तो ये एक नई नई चीज़ जो हमारे मंडल करता है, और जैसे अखाड़े वगैरह तो रहते ही रहते हैं साथ में, बाकी ये एक विशेष चीज़ है कि रथ को बाबा के भगत खींच के लेके जाता है। ठीक है, गणपति बाप्पा।
गुलाल के राजा की।